इस क्वेश्चन में जैसे देखोगे कि बहुत प्यारा सा सवाल है, बेसिक पे स्टिक करता हुआ है, ठीक है। तो अ कार्ट ऑफ मास 3 kg, मास गिवन है भाई, ठीक है। मास पता है आपको, मास इज 3 kg, और एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, है ना। तो 3 kg का मास दिया हुआ है, ठीक है भाई। इज पुल्ड बाय अ 5 kg ऑब्जेक्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं कि अब इसको एनिमेटेड उसमें व्यू में देख भी पा रहे हो कि किस तरह से मूव कर रहा है, और जो ब्रिक उसके ऊपर रखा है वो बेसिकली स्लाइड कर रहा है। तो द कार्ट हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द टेबल विदाउट फ्रिक्शन। मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये जो लाइन है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो म्यू को 0 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि भाई देर इज अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg, मतलब ये देखो ये जो ये है ये ब्रिक है, ठीक है। अब मास 2 kg ऑन द कार्ट विच फॉल्स फ्रॉम इट इन 0.8 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन, मतलब 0.8 सेकेंड के बाद वो बाहर गिर जाता है, ठीक है। फाइंड द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द ब्रिक। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तुरंत समझ गए हो कि ये क्वेश्चन कहाँ देखा है उन्होंने, है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पर डिस्कस किया था इसको कि देखो ये किसी टेस्ट सीरीज का है या किसी एक एलीट क्वेश्चन बैंक का है ना, और वो क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है ना, और बिल्कुल कह सकते हैं कि अप टू द मार्क है जेई के हिसाब से, है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिक जो होता है लॉज ऑफ मोशन का वो अप्लाई होगा, है ना। और वो इस तरह से होगा कि भाई हमने टेंशन टी रख दिया और एक टेंशन टी रख दिया, तो भाई मासलेस पुली है तो इस स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका खुद का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। अब स्मूथ सरफेस है ये, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगना नहीं है। अब जैसा कि आप एनिमेटेड उसमें देख रहे हो कि भाई ब्रिक भी आगे चल रहा है लेकिन ट्रॉली उससे ज़्यादा फास्ट निकल रहा है, इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में स्लाइडिंग, और क्वेश्चन कह भी रहा है कि भाई वो उसके बाहर गिरता है, बाहर गिरता है, इट मीन्स कि देर इज सम स्लाइडिंग बिटवीन द कार्ट एंड द ब्लॉक, देर इज सम स्लाइडिंग बिटवीन कार्ट एंड द ब्लॉक। तो कार्ट और ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो अब अगर यहां से देखोगे, देखना ध्यान से समझना, तो भाई अब अगर हम FVD की बात करें तो ये अगर ब्रेक है हमारा, है ना, ठीक है भाई, और ये कार्ट की बात कर रहे हैं हम, देखिएगा दिस इज कार्ट। तो कार्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, कार्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कार्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसको म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो जो ब्रिक है इस पे वही फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, म्यू इंटू एन। यहां तक बात समझ आ रही, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो कार्ट भी ए से ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, और कार्ट पे एक फोर्स ये टेंशन टी लग रहा होगा। तो सबसे पहला जो दो इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हो, 50 - t इट शुड बी इक्वल टू ma, m को आप लिख ही दो ना, 5 गिवन है तो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 * a, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे, t - μn, इट शुड बी इक्वल टू t - μn, इट शुड बी इक्वल टू, अब इसका मास, तो देखो यहां पे हमने लिखा हुआ है जो कार्ट का मास है इट इज 3 kg, तो 3 * a, ऐसा कर सकते हैं भाई, यहां तक बात समझ आई। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ये है कि भाई कार्ट पे ब्रिक है और वो 0.8 सेकेंड के बाद गिर जाता है, ठीक है, और हमारे पास ये लेंथ गिवन है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि भाई अगर आप ऐसा सोचो, देखना ये ब्रिक के डायमेंशन को नेगलेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल एक छोटा सा ये पार्ट ऐसा एज्यूम करोगे, तो ये जो लेंथ है ये गिवन है, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ गिवन है 0.8 सेकेंड इज द टाइम, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 by 100 मीटर लिख दोगे, मतलब ये नीचे गिरता है, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज
40 मीटर पर सेकेंड, 40/100 मीटर, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक विथ रिस्पेक्ट टू कार और कार्ट, और वो इस तरफ होना चाहिए, और इतना होने में जो टाइम लगता है इट इज 0.8 सेकेंड्स। बात समझ आ रही है? तो क्यों ना हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करें विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो इसके लिए हम ब्रिक कार्ट के फ्रेम में आ जाते हैं। तो कार्ट के फ्रेम में जब हम ब्रिक का एफवीडी बनाएंगे तो देखो ब्रिक पे एक जो एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा जो मास ऑफ द ब्रिक विच इज 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ये स्यूडो लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे तो मास ऑफ द ब्रिक विच इज 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्रिक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, इट शुड बी इक्वल टू दिस 2a माइनस म्यू एन। भाई ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो, यहां से मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। भाई ये क्यों लिख दिया, समझ आ रही बात? कि भाई ये स्यूडो फोर्स और ये कार्ट के फ्रेम में ब्रिक इधर एक्सेलरेट होता दिखना चाहिए तभी बाहर गिरेगा। इट मींस कि दिस स्यूडो फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट स्यूडो फोर्स माइनस दैट फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्रिक विथ रिस्पेक्ट टू कार, दिस इज द मास ऑफ द ब्रिक। ठीक है, तो अब अगर यहां से लिखे हम लोग, हमें म्यू कैलकुलेट करना है, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो 2, अब देखो यहां तक बात समझ आ रही है, तो ये लिख दिया हमने, तो यहां से अब एस को यूटी प्लस हार्ट ए टी स्क्वायर, तो एस बी सी, यू तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्रिक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज जीरो, दोनों रेस्ट पे था, इट शुड बी इक्वल टू 1/2 ए बी सी इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से आप कर सकते हैं, एस बी सी इज गिवन, इट इज 40 बाय 100 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन ऑफ बी सी इट इज 2a - μn/2 इंटू टी स्क्वायर, टी भी गिवन है 0.8 सेकेंड। ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो कि ओके 20/ यहां से लिखो तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 8/ देखो ये 2/5 इट शुड बी इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल होकर के a चाहिए, a को अब यहां से लिख सकते हैं हम लोग, भाई a को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 - μn/8 50 - μn/8 लिख सकते हैं ना, 50 - μn/8। क्यों ऐसा लिखा, समझ आ रही है बात? बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं -μn/2, ठीक है, इंटू 0.8 मतलब 8/10 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में एक ही चीज है, दैट इज एक ही चीज अनोन है, दैट इज म्यू। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या लिखोगे देखना, n हम लोग mg मतलब 20 लिख देंगे, तो n की वैल्यू आप 20 न्यूटन लिख दीजिए। इन सारे इक्वेशंस को अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जानी है, ये 0.8।